नमस्कार दोस्तों, वेलकम लाइट डेकोरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि तोरण के अंदर जो ये शिकायत आपको दिखाई दे रही है, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, और इसके अंदर केवल चार लड़ी चढ़ रही है। तो ये तोरण 10x20 का था, इसके अंदर ओनली चार लड़ी अभी चल रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, आपके भी किसी तोरण के अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपको इस प्रकार से इसको ठीक करनी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो, ये ओनली फॉर इसके अंदर चार लड़ी चल रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम डेटे के वायर से भी आ जाती है और एलईडी बल्ब की वजह से भी आ जाती है। तो कौन सी एलईडी ख़राब है तो अपन उसी के ऊपर बात करने वाले हैं आज। तो चलो अब इसको चेक करते हैं। देख लो, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल ब्राइटनेस कम में एलईडी ग्लो कर रही है और यहाँ तक ठीक तरीके से दिखाई दे रही है। अब अपन यहाँ पे ऐसे टच करेंगे तो कुछ थोड़े बहुत इफेक्ट इसके अंदर रनिंग करते हैं, पर यह प्रॉब्लम सभी के आती है। ये यहाँ एलईडी तक तीन लड़ी पूरी चल रही है और इस एलईडी के अंदर केवल तीन एलईडी काम कर रही है। तो सबसे पहले अपन इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वायर कनेक्शन को देखते हैं, उसके बाद में डेटे को देखेंगे। इस एलईडी को ऐसे दबाने के बाद कुछ कुछ एक्शन करती है तो एलईडी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अपन इसको लेजर कटर के द्वारा इसका धागा काट कर देखते हैं। देख लो, मैं धागा निकालता हूँ इसका। धागा निकालने के बाद निवार हटेगी। तो इसको हटाने के बाद ही अपन को इसका पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसके अंदर हमने इसकी मजबूती के लिए वायर पे निवार सिलाई की थी। और इस एलईडी से यहाँ की एलईडी तक देखते हैं, धागा हटा लेते हैं पहले, इसके बाद में अपन इसको नेगेटिव पॉजिटिव वाले दोनों वायरों के जो कनेक्शन है उसको देखते हैं। तो ये अपना धागा कंप्लीट हटने वाला है। आप इसको हटाओगे तो कुछ इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव के ब्लैक रेड वायर आएंगे। कलर कोई भी फाइनल नहीं है, कलर कोई सा भी आ सकता है, लेकिन डेटा के लिए एलईडी का वायर ओनली ग्रीन ही होता है। तो ये डेटे वाला तो ठीक लगा हुआ है। अब देखते हैं इसका इन नेगेटिव वाला वायर। सबसे पहले तो इसके टेप हुई हुई थी तो अपन उसको हटा के देखते हैं। तो ये वाला भी अपना ठीक था। अब मैं देखता हूँ पॉजिटिव को। पॉजिटिव वाला वायर की टेप हटा के देखते हैं तो ये भी देख लो ठीक है। तो यहाँ से तीन लड़ी अभी पूरी तरह वर्क कर रही है। फिर से आगे डेटे वाले को फिर से और चेक करते हैं। तीसरे नंबर वाली लड़ी के आउटपुट डेटे का कनेक्शन फिर से चेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी देख लेंगे। तो इसका धागा हटा के चेक करते हैं इसको। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है, अगर तीसरे नंबर की लड़ी जो ठीक तरीके से वर्क कर रही है तो उसके अंदर भी अगर कोई कनेक्शन प्रॉब्लम आती है तो उसी की वजह से भी आगे की बाकी की लड़ियाँ नहीं वर्क करती है। तो इसके टेप हटा के फिर से और देखते हैं। पहले बात तो टेपिंग करना गलत है, यहाँ पे स्लीव या और कंपाउंड वगैरह लगा हुआ टेपिंग लीव हो ही जाती है। थोड़े दिनों के बाद में लगाने के बाद टेपिंग लीव हो जाती है।
इसका धागा बहुत नज़दीकी तरीके से सिलाई हुई थी दोस्तों। यहाँ से भी वो ठीक ही मिला है टेप हटाने के बाद, देख लो दोनों। अब अपन बात करेंगे इस लड़ी की, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, तो लड़ी में भी एलईडी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले अपन एलईडी को चेक करते हैं, तो एलईडी तो अपन ठीक कर नहीं सकते, तो मैं डायरेक्ट ही एलईडी को ही चेक कर, इसको ऐसे हिलाने डुलाने के बाद ये थोड़ा बहुत रख करती है। और एक जो तीसरे चौथे नंबर की लड़ी है टाई काटते हैं सबसे पहले, अब बंद करके फिर मैं इसको लड़ी को ही काटता हूँ यहाँ से। ये अपनी कट गई, इसको भी यहाँ से काटते हैं। एक एलईडी हटा के दो एलईडी हटा के देखते हैं पहले, तो अब मैं यहाँ से इसको छिल के इसको आठ एलईडी वाली लड़ी को ही चेक करके देख लेता हूँ। अगर आठ एलईडी वाली लड़ी अगर चल रही है तो इन दोनों एलईडी के अंदर ही दिक्कत होगी। तो जैसे का जैसा इसका नेगेटिव पॉजिटिव और डेटा का वायर जोड़ के फिर से चेक करते हैं इसको। तो नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ लेता हूँ मैं पहले, पहले अपन ने पॉजिटिव जोड़ लिया, अब नेगेटिव वाले के देखते हैं। ये अपना नेगेटिव कंप्लीट हो गया, डेटा मैंने पहले लगा लिया था। फिर से मैं इसको पावर सप्लाई देख के देखता हूँ, तो सप्लाई ऑन करने के बाद अपना पूरा तोरण चल गया। तोरण के अंदर प्रॉब्लम शायद यही थी, इसके बाद में ये दोनों एलईडी के अंदर प्रॉब्लम थी जो कि मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन सॉरी इसके लिए दिखा नहीं पाया। ट्राई बोर्ड के अंदर दिखा नहीं पाया मैं आपको। ये जो अपनी मेन प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है, और केवल ये दो एलईडियां खराब थी जो मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसकी जगह ये वाले लगा के चेक करते हैं, क्योंकि मेरे पास पुराना तोरण पड़ा हुआ था तो मैंने उसी से एलईडियाँ कट करके लाई थी। तो नई लड़ी को ख़राब करने से अच्छी बात है कि अपना पुराना कोई भी माल पड़ा तो उससे अगर अपना काम हो रहा तो उसी से कट के काम चला लेते हैं। दोनों एलईडी में फिर से लगाता हूँ, लगा के फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसको बिल्कुल दोस्तों आप घर बैठ के भी ठीक कर सकते हो, तो इसको ठीक करना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से कर सकते हो, इसके अंदर खास बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो इनको तीनों वायरों को अलग अलग करता हूँ, वायर कटर के द्वारा छिल लेता हूँ मैं इसे। कटी हुई स्लो में इसके अंदर डाल देता हूँ तीनों के अंदर। 1 mm वाली स्लू थी मेरे पास जो मैंने तीनों के अंदर डाल दिया है। ये डल गई है अपने तीनों के अंदर। ये जो एलईडी है इसके तीनों वायर है उसको फिर से छिलता हूँ मैं। थोड़ा दिन आगत करो, ये अपने तीनों वायर छिल चुके हैं। सबसे पहले मैं इसका नेगेटिव लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ इसका डेटे वाला वायर। अब लगाते हैं इसका पॉजिटिव वाला वायर जैसा का जैसा। दोस्तों इसको अपन वायर शोल्डर के द्वारा सोल्ड करके फिर से करेंगे तैयार। मैं इसके सबसे पहले बेस्ट लगाता हूँ।
अब अपन इसको वायर सोल्डर के द्वारा अच्छी तरह से सोल्ड करते हैं, क्योंकि अपन को पता तो हो ही गया है कि यहाँ से ख़राब है ये, उसको अच्छी तरह से सोल्ड कर देते हैं। ये अपना हो चुका है, अब मैं सिलो को वायर के ऊपर चढ़ाता हूँ, क्योंकि 1 mm की थी तो थोड़ी बहुत टाइट आएगी, लेकिन कैसे भी एडजस्ट करके चढ़ाना पड़ेगा इसे। तो मैं 3 वायरों के अंदर चढ़ाता हूँ सिलो को। थोड़ी बहुत मुश्किल चढ़ेगी लेकिन चढ़ जाएगी। मैंने नीचे डाल लिया है, अब इधर के 3 वायर को छीलता हूँ मैं। छीलने के बाद मैंने इधर सिलो पहले से ही चढ़ा ली थी, तो इसे हम सबसे पहले नेगेटिव वाला वायर जोड़ते हैं। इसको अच्छी तरह से ऐसे पलट के जोड़ना होगा अपन को, फिर जोड़ते हैं डेटे वाला। फिर जोड़ते हैं डेटे वाला वायर। अब जोड़ते हैं पॉजिटिव वाला वायर। सेम उसी प्रोसेसिंग से इसको भी पेस्ट लगा के वायर सोल्डर के द्वारा सोल्ड करना पड़ेगा। पहले लंबे मूवर से मैं इनको कट कर लेता हूँ। अपने कट हो चुके हैं, इसलिए वही उसी प्रोसेसिंग से मैं पेस्ट लगाता हूँ इसके। पेस्ट लगाने के बाद फिर से सोल्ड करते हैं इसे वायर सोल्डर के द्वारा। तीनों वायर वैसे के वैसे सोल्ड हो चुके हैं, सोल्ड करने से इन्हें वापस टूटने का कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इससे इसी सिलो को वापस चढ़ाना पड़ेगा इनके ऊपर, थोड़ी मुश्किल है लेकिन ये अपनी तीनों चढ़ चुकी है। अब अगर आपके पास SMD है, पहले चला के देख लेते हैं, तो अपना चल गया। अब अगर दोस्तों आपके पास SMD है तो उसी के द्वारा आप सिलो सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास SMD नहीं है तो आप लाइटर के द्वारा या माचिस की तिल्ली के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो मैं तो SMD से ठीक करता हूँ इनको, तो ये अपने SMD के द्वारा मैंने ठीक करता हूँ। तो ये अपनी सिलो सेट हो चुकी है, देख लो आप। अब इनके अंदर LED के अंदर लगाते हैं अपन टाई, जो अपने पास टाई थी वही टाई लगाएंगे। ये अपनी टाई लग चुकी है, इसको अच्छी तरह से टाइट करो टाई को। तो टाई लगा देता हूँ दोस्तों। मैंने थोड़ी बहुत वीडियो की स्पीड प्लस कर दी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए तो मैं लेजर कटर के द्वारा इनको काट देता हूँ टाई को। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा तोरण। पहले धागे से सिलाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे सिलाई करना, सेम जैसे कि जैसे सिलाई करनी है आपको सुई धागे के द्वारा। तो दोस्तों मैं इसकी सिलाई कर लेता हूँ। आपके पास अगर कोई भी पुराने तोरण पड़े हैं तो आप घर पे ठीक कर सकते हो, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, बिल्कुल हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। दोस्तों ये अपना सिलाई
कंप्लीट होने वाली है। ये मैं इसके सिलाई में गांठ मार देता हूँ। अब इसको धागे को तो काट लेते हैं अपन, और ये अपना हो गया तोरण कंप्लीट। तो मैं फिर से आपको इसको पूरे को दिखाता हूँ ऐसे ठीक तरीके से फैला के, क्योंकि वर्कशॉप में इतनी जगह नहीं थी तो मैं आपको सारा दिखा नहीं पाया। दोस्तों इस प्रकार से अपना तोरण चल चुका है। तो हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि हमारी वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।